नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा आठवीं का हिंदी का जो आपकी भारत की खोज पुस्तक है उसका दूसरा जो पाठ है तलाश, भारत के अतीत की झांकी, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें नेहरू जी ने भारत के अतीत के बारे में बताने की कोशिश की है, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक इसको अक्षरशः पढ़िए, नहीं तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, इसको पूरे का पूरा देखें। तो आइए देखते हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की, मैं तब महसूस करता था मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया, और मेरे ताज़ा अनुभव से उसे कैसे संवारा था। आखिर भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है या जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? यानी लेखक जो है विचार कर रहा है कि भारत असल में क्या है। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। यानी आलोचक हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, मैंने उनकी दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर के पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जो संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, मैंने भारत को जान लिया था, मैंने उसे उसी भाव से देखा था जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर आकांक्षाएं सिर उठा रही थी, क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का एहसास कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, जो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता है जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि न बनाए रख सकता, वह विशेष तत्व आखिर क्या था? यानी विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो लेखक के मन में पैदा हो रहे हैं। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहन जोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ
उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। तो मोहनजोदड़ो का जो समय है, वो काल है, वो क्या है? 5000 वर्ष पहले। देखिए, ये मोहनजोदड़ो की जो तस्वीर है आपको दिखाई दे रही है, किस तरह की दीवारें यहाँ हैं, किस तरह के मकान यहाँ बने हुए हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इनका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रह करके। फारस मिस्र ग्रीस चीन अरब मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों के से उसका बराबर निकट संपर्क रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया है और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ है, फिर भी उनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या था? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तक की स्मृति ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। दंत कथाएं होती हैं वो कहानियां जो जुबानी बताई जाएं, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। इस महान पर्वत से निकल करके भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया है और इतिहास के अगणित पहलुओं की याद ताज़ा की है। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा है इंडिया या हिंदुस्तान, जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास के मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद संख्या में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग
तक गंगा की जो गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी रही है। मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र होते हैं दीवार के ऊपर बनाए गए चित्र। अजंता एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्र भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि अब वहाँ भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे यानी पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अगणित पीढ़ियों से भारत की ओर की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही हैं। मेरे दिन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलाकर के मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ, पत्थर के जो स्तंभ है, जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट के से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा, तो भाई भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया है। यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया है। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसला मंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर एकाधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है कि एशिया के जो देश थे वो किस तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़े गए थे।
ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में जो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी, किंतु बाद में बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है, जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है, क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है, जहां कामयाबी के साथ विद्रोह विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्द भंडार में से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नकाशी लेने लगी है। प्रभावी किंतु सरल जीव सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली है। साहसिक कार्यों की जो लालसा और झलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की आंधी मूर्ति पूजा की ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। यहाँ कहने का भाव यह है कि लेखक यहाँ यही बताना चाहता है कि भारतवर्ष में लोगों में है ना, वो जो अंधविश्वास की जो भावना है वो धीरे धीरे ज़्यादा घर करती गई, लोग ज़्यादा मूर्ति पूजक हो गए और परिणाम स्वरूप भारत का जो है ना विघटन होना, ह्रास होना शुरू हो गया। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता है। इस तरह का कर्म भंग नहीं हुआ है और भारत में भी निरंतरता बनी रही है। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे हैं। नए को समझने और उसे अनुकूल बना करके कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा था उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीत के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने की को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने में की सामर्थ्य प्रदान की। प्राचीन पुस्तकों प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ को तो पैदा की, लेकिन मुझे उसे संतोष नहीं हुआ। तो देखिए, पिछले अध्याय में इनमें लेखक ने जाना कि भारत क्या है, लेखक भारत के विषय में क्या क्या जानना लेखक ने चाहा, वैजंता, लोरा, एलिफेंटा, कहीं ताजमहल तो कहीं दिल्ली की इमारतों को देखता है, उनके भव्य सुंदरता को देखता है और भारत के वर्चस्व को स्वीकार करता है, लेकिन फिर देखता है कि भारतवर्ष का जो पतन है वो कैसे हुआ, पतन के कारण क्या रहे हैं,
लोगों की जो धारणाएं उन्होंने व्यक्त की हैं, जो बताई हैं, लेकिन बाद में ये भी कहता है कि ये जो मेरा सर्वेक्षण है ये पूरी तरह सही भी नहीं हो सकता है। अब वो नए भारत की तलाश की बात कर रहा है, तो नए भारत की तलाश में सबसे पहले वो जो अवशेष हैं उनके बारे में जानकारी लेगा। तो पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत का की समझ तो पैदा कर दी, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं मिला, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुतों से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था, खुद तरक्की की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी थी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उनका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइशें थे कि उसे चुनौती देना या उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। यानी मध्य वर्ग में रोष तो था लेकिन वो उसमें सुधार चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, यानी कुछ सुधार की गुंजाइश की वो बात करते हैं। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को भूल गए थे या उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न किया था, कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से ही परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर, दरअसल बात यह थी कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था कि जिसे परिभाषित करना कठिन है। पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया, उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता था। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों के ही नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएँ नहीं रखी थी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई थी। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतर्शक्ति है उसका कारण भारत भी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया है, फिर भी कुछ तो ऐसा बच रहा है जो सार्थक है और उसके लिए उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक भी अनष्टकार भी है। यानी
नेहरू जी भारतवर्ष के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि भारत की जड़ें हैं वो धीरे धीरे हैं खोखली कर दी हैं, भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों की प्रताड़ना को निरंतर झेला है, लेकिन उन्हें फिर भी आशा है कि कुछ तो ऐसा है जो भारत के अस्तित्व को बनाए हुए है। इसका अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत माता की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और शहरों में ऐसा और अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे पर सीमित नज़रिए वाले। किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और स्वराज की भी यानी स्वतंत्रता की भी, जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं सब के लिए है, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर के पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे हैं, क्योंकि उनकी समस्याएं समान हैं, गरीबी, कर्ज, निहित सीधा स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर देसी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मान करके उसके बारे में सोचें, साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्य पुराणों कथाओं दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनके अचानक प्रश्न का उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले की या राज्य की, के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक वे प्रयत्न करते रहे और आखिरकार में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है जो कि है ही, जो उन्होंने सोच रखा है, यानी उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करवाते हैं, सब हमें प्रिय लगते हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है
वह है भारत की जनता। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे लोग, सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, भारत माता मूल से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। उन्होंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से खुद तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो ये था कि भारत माता है क्या, नेहरू जी ने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया और लोगों के समझ में आया कि भारत माता असल में भारत की जनता ही है, जो भारत के हित के लिए सदा लगी रहती है। अंतिम चरण में पहुंचते हैं विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अंत तक देखिए। भारत की विविधता और एकता, भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। उसका ताल्लुक जो है शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है, उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर के गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज और कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप छोड़ी, वैसी स्पष्ट है जैसी तमिल पर, जिसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी है, भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे हैं। ये पुराने तुर्क यानी मुसलमान और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी हुई थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेर ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हुए हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यानी तक्षशिला जो है एक ऐसा शिक्षा का केंद्र था जहाँ पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह से नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम चरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यह जानकारी बेहद हैरत में डाल देने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा है। यानी भारतवर्ष में विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं और अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन सैकड़ों वर्षों से फिर भी भारत जो है ना अपने अस्तित्व को बनाए हुए है।
इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं, जिसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी, जिसमें तमाम चीज़ों को आकार दिया है। विदेशी प्रभाव आए हैं और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करते हैं, उसी में जज्ब हो गए हैं, कुर्बान हो गए हैं, निछावर हो गए हैं। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के सौपन से अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्व के विश्वास के मानवीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों, रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया है और साथ ही हर तरह के विविधता को मान्यता ही नहीं प्रोत्साहन भी दिया गया है। यानी विविध होते हुए, भिन्न भिन्न होते हुए भी भारतवर्ष अपने रीति रिवाजों के कारण एक है, उनमें आपस में तालमेल है। यानी भारत एक पूरा देश बना रहने की क्षमता रखता है। किसी एक देशी समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशी समूह से की जाती है। यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आसपास में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सीमांती धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की ही सी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि वह किसी दूसरे देश में पहुंच करके वह अजनबी और परदेशी महसूस करता है। यानी भारत के किसी भी कोने में यदि हम जाते हैं तो अपना ही देश हम महसूस करते हैं, यानी एक अपनत्व या लगाव होता है। इसके अलावा भारत से दूसरे इलाके जहाँ पे सटे हुए हैं, जहाँ पे हम जाते हैं तो हम अलगाव महसूस करने लगते हैं। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उनकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उन्हें उसे अजीबपन का बोध निश्चय कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए हैं, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए हैं, जैसे यहूदी है, पारसी और मुसलमान। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया है वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय ही बने रहे हैं। आज जब राष्ट्रीयवाद की अवधारणा की कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बना करके विभिन्न कारणों में से एकजुट होकर के रहते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इस प्रकार किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी अन्य देश में जहाँ इस्लाम का प्रभुत्व हो हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। मेरे ख्याल से हम सब के मन में अपनी मातृभूमि के अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँव के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। तो यहाँ लेखक ने बताया है कि कुछ समय पहले या तो लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है
या किसी दूसरे कारणों से धर्म परिवर्तन कर लिया है, चाहे वो यहूदी हो, मुसलमान हो, पादरी हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का के अनुपालन करने वाले हों, यदि वो भारत से दूसरे देश में जाएंगे तो यहाँ का मुसलमान है वो भारतीय मुसलमान ही कहलाएगा, तुर्क नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब हम सब भारतीय एक जैसे हैं, चाहे हमने धर्म परिवर्तन कर रखा हो। वर्षा ऋतु की उसे जादुई बरसात के बारे में, जो झुलसती हुई धरती में जमी जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के जल मिलाते प्रसार में बदल देती है, विशाल नदियों और उसके बहते हुए जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर के पास के बारे में, भारत के दक्षिण सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूप से रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ की टोपी पहने हिमालय के या बसंत ऋतु के कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में, जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच से कलकल खलखल करता झरना बहता है, हम अपनी पसंद की तस्वीरें बनाते हैं और उसे सहेज करके रखते हैं। अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 मिनट का ही है। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता को गतिशील जीवन नाटक को देखा है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता हूँ जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती हैं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत ही गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था, और इससे इनमें से किसी को दूसरे को अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह से अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत, अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना और कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था, और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे, और उनकी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत कर रहे थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिसमें कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराण कथाएं या पौराणिक कथाएं या परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक हैं, और इतिहास बहुत कम 30 पर, यानी उस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता है। मैं उनके चेहरे और उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता हूँ। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते हैं। महिलाओं में लावण्य, कोमलता, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय मुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती है कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य टीका कैसे टिका और बना रहा। यानी हजारों साल पहले जो भित्ति चित्र लेखक ने देखे थे वो अत्यधिक सुंदर थे, और जब वह गांव देश की जनता को और वहाँ की स्त्रियों को, पुरुषों को देखता है, उनकी सुंदरता को देखता है तो विचार मग्न हो जाता है कि इतना पौराणिक सौंदर्य जो आज भी हमारे बीच टिका हुआ है तो कैसे। इन लोगों को साथ लेकर
हम क्या नहीं कर सकते बशर्ते इनके हालात बेहतर हों। यानी इन सब लोगों को हम एक साथ मिला करके हम कहने का भाव यह कि भारत को स्वतंत्र कर सकते हैं बशर्ते कि हालात सुधारने पड़ेंगे, यानी हालात अच्छे हों, इनके पास कुछ करने से के अवसर ज़्यादा हों, चारों ओर गरीबी और उनके और उसमें पैदा होने वाली अग्नि की विपत्तियाँ फैली थी और उनकी छाप हर माथे पर थी, जिंदगी को कुचल करके विकृत और भयंकर रूप दे दिया था। इस विकृति से तरह तरह की भ्रष्टाचार पैदा और लगातार अभाव और सुरक्षा की स्थिति बनी रहती थी। यह सब देखने में सुखद नहीं लगता था, पर भारत की असलियत यही थी कि स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमानसात थे जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी हटा नहीं पाया था। तो विद्यार्थियों, ये हमने थोड़ा लेसन बड़ा जरूर था, ये इसको हमने देखा पढ़ा। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, समय खराब न करते हुए अगले वीडियो में मिलेंगे विद्यार्थियों इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।